जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल न्यूज़ ऑफ ज्ञान पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं NYKS रिक्वायरमेंट के बारे में, जहां पर नेहरू युवा केंद्र संगठन के डिपार्टमेंट से आप सभी के लिए सीधी भर्तियों का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है। साथ में आवेदन भी शुरू हो चुके हैं, जिसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। दोस्तों, जहां पर इस भर्ती के लिए खास बात ये कि अगर आप लोग केवल और केवल 10वीं 12वीं पास हैं और आप चाहे भारत के किसी भी राज्य में रहते हैं, आप लोग इस भर्ती के लिए आवेदन कर पाएंगे। साथ में अगर आपका इस भर्ती के लिए सिलेक्शन होता है, तो आपको अपने ही राज्य में, अपने ही जिले में, अपने ही डिस्ट्रिक्ट में एक अच्छी सी नौकरी मिलने वाली है। साथ में इस भर्ती के लिए सेलेक्शन पाने के लिए आपको कोई भी एग्ज़ाम नहीं देना है, सीधी भर्ती है, सीधे इंटरव्यू के आधार पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग भी 2023 में केंद्रीय सरकार के अंदर एक अच्छी सी पोस्ट पर नौकरी पाना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि सबसे पहले आपको इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन कहां से डाउनलोड करना है, साथ में यहां पर आपको इस भर्ती के लिए कब से कब तक और कैसे आवेदन करना है, साथ में यहां पर आपका इस भर्ती के लिए सिलेक्शन कैसे होगा, सैलरी क्या मिलने वाली है, सारी की सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। सो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। साथ ही साथ अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करके दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। साथ में बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना मत भूलिएगा। सो फ्रेंड्स, है काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, चलिए जानते हैं इस वैकेंसी के बारे में कंप्लीट डिटेल। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात कर रहे हैं NYKS रिक्वायरमेंट 2023 के बारे में, जहां पर नेहरू युवा केंद्र संगठन के डिपार्टमेंट से 2023 के लिए वॉलंटियर के पदों पर नई भर्तियों का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, नेहरू युवा केंद्र संगठन भर्ती को लेकर काफ़ी सारे लोगों के वीडियोस पे कमेंट आ रहे थे कि सर हमें NYKS की नई भर्तियों के बारे में बताइए कि आखिर नेहरू युवा केंद्र संगठन की नई भर्तियां कब तक में होने जा रही हैं, कितने पदों पर भर्तियां होने जा रही हैं, कौन कौन से राज्य के कैंडिडेट कब से कब तक आवेदन कर सकते हैं। तो फाइनली आप सभी को बता दें, NYKS यानी कि नेहरू युवा केंद्र संगठन के डिपार्टमेंट से 2023 की 10वीं पास की सीधी भर्तियों का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है। साथ में आवेदन भी शुरू हो चुके हैं, जिसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। लेकिन उसके पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करके दोस्तों में शेयर करना मत भूलें। साथ ही साथ आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप लोग किस राज्य से हैं, साथ में आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, साथ में आपकी एज लिमिट क्या है, ताकि हम आपके राज्य, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, साथ में एज लिमिट के हिसाब से सरकारी नौकरियों की जानकारी आपको सबसे पहले दे पाएँ, कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो पाए। फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे इस भर्ती के लिए पोस्ट नेम के बारे में। तो यहाँ पर वॉलेंटियर के पदों पर सीधी भर्ती होने जा रही है, जिसके लिए ऑल इंडिया के कैंडिडेट ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। साथ में बात करें इस भर्ती के लिए एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो यहाँ पर इस भर्ती के लिए आपको कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं देनी है। बात करें जहाँ पर इस भर्ती के लिए आपके एज लिमिट के बारे में, तो यहाँ पर अगर आपकी उम्र सीमा 18 से 29 वर्ष के बीच है, तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। वहीं एज में छूट की बात करें, तो एज पर गोविंद रूल, जहां पर SST के लिए 5 वर्ष की तथा OBC के लिए 3 वर्ष की आपको एज में छूट भी मिलने वाली है। बात करें जहां पर इस भर्ती के लिए आपके सिलेक्शन के बारे में, तो यहां पर आपका सिलेक्शन
इंटरव्यू एवं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर होने वाला है। बात करें जहां पर इस भर्ती के लिए आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, तो यहां पर 10वीं 12वीं पास कैंडिडेट इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। बात करें अगर आप लोग इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहेंगे तो यहाँ पर आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट अनिवार्य रहने वाले हैं, तो यहाँ पर आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, साथ में एजुकेशन सर्टिफिकेट, साथ में पासपोर्ट साइज का फोटो, सिग्नेचर, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, साथ में कास्ट सर्टिफिकेट, ये सारे डॉक्यूमेंट अनिवार्य रहने वाले हैं। बात करें जहां पर इस भर्ती के लिए वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, तो यहां पर सभी राज्यों के कैंडिडेट इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। बात करें जहां पर इस भर्ती के लिए इम्पोर्टेंट डेट के बारे में, तो यहां पर स्टार्टिंग डेट है अप्लाई करने की, ऑलरेडी फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, वहीं लास्ट डेट है अप्लाई करने की, जहां पर जल्द से जल्द आपको इस भर्ती के लिए आवेदन करना होगा। सो फ्रेंड्स, है काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। इस वैकेंसी से संबंधित सभी इम्पोर्टेंट लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पर देने वाला हूँ, जहाँ से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी व वीडियो में दी गई जानकारी आपके काम की होगी। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर करेगा। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।